श्री हैहवंशी क्षत्रिय कसेरा महासभा के सदस्यों ने तीज पर्व के मद्देनजर महिलाओं में साड़ी वितरित की। श्री हैहवंशी क्षत्रिय कसेरा महासभा के सदस्यों द्वारा तीज के पर्व को देखते हुए सैकड़ों महिलाओं में साड़ी का वितरण किया गया। समाज की सभी महिलाएं उत्साह के साथ तीज पर्व मना सकें, इस उद्देश्य से एक कार्यक्रम किया गया। गरीब महिलाएं भी इस पावन त्योहार को खुशी खुशी मनाएं, संस्था का ये उद्देश्य है। पत्रकारों को आयोजकों ने बताया कि आगामी 19 सितम्बर से रामकटोरा स्थित चिंतामणि बाग में समाज द्वारा भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जो विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 24 सितम्बर तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों व सम्मान समारोह के साथ समापन किया जाएगा। इस मौके पर समाज के गुंजन कसेरा, मनोज कसेरा, प्रवीण कसेरा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग यहाँ पे कसेरा महासभा के तत्वाधान में गंगू सिवाला काशीपुरा में तीज के उपलक्ष्य में साड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पे इस कार्यक्रम में जो हम लोग विगत कई वर्षों से करता आ रहा है हमारा समाज के लिए, हम लोग ये जो भी ऐसी औरतें होती हैं जो गरीब असहाय हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं या और भी किसी कारण से नहीं ले सकती हैं, उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है ताकि उनका भी पर्व बहुत अच्छे से मने और कोई भी ऐसा ना हो कि जो धन के कारण ये पर्व को ना मना पाए। इसके अलावा हमारा जो कमेटी है वंशी क्षत्रिय महासभा, जो हमारी कमेटी है, आगे भी ऐसे कई सारे प्रोग्राम करती रहती है जिसमें हम लोगों का ये सोचना होता है कि सोशल लेवल पे हम इसको कैसे करें कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो भी पिछड़े हुए हैं वो भी हमारे सारे योजनाओं का फ़ायदा उठा पाए। आगे क्या योजना होगी समाज के लिए आप लोगों की? अभी हम लोग जो आगे करंट में करने वाले हैं, 24 तारीख को हम लोग एक गणेश पूजा के उपलक्ष्य में हमारा एक दूसरा भवन जो है चिंतामणि बाग, उसमें हम लोगों ने एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया जिसमें बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करेंगे और उस पर हम लोगों का गणेश जी को ध्यान रखते हुए, क्योंकि गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य होते हैं, ध्यान रखते हुए सारे प्रोग्राम का हम लोगों ने आयोजन करने का सोचा है। तो कितना साड़ी बांटने का लक्ष्य है इस बार? आज हम लोग का साड़ी बांटने का जो हम लोग सोचा है 200 साड़ी का हम लोग का लक्ष्य है, लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट और बढ़ती है, अगर और भी कोई आता है तो हम लोग उसको बढ़ा भी सकते हैं।